ये साधु संत और ये मास्टर जीत सिंह जी कमेटी के मेंबर हैं बैठे हुए। आप भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप भाई साहब हैं? प्रदीप भाई साहब, हाँ, ये भी कमेटी के मेंबर हैं। आप भाई साहब? नरेश भाई साहब, ये बाबा सिफर वाली कमेटी के मेंबर है सभी। आप भाई साहब? तेज बोलो। जय किशन जी, गांव सुनारिया खुर्द से हैं। अच्छा, आप जी भाई साहब? सत्यनारायण जी। आज इस गुगा नवमी के अवसर पर आप लोगों ने क्या खास प्रबंध किया है? कैसा है? मैं भी आया हूँ, मैंने कुछ खास देखा नहीं है। पहले माफी के पास आया हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, जरूर जाएंगे। सुबह जो है ज्यादा रश होता है, आज काम करके मंदिर अभी चले गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भंडारा नहीं, मैं भी काफी सालों से आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी। भंडारा होता है, यहाँ पहले प्रसाद होता था चावल का, हाँ, और अभी पैसा ज्यादा होने की वजह से और कुछ जनता की डिमांड के कारण हमने अभी हल्द्वानी बूंदी पूरी और ये इसका सब्जी का प्रबंध किया हुआ। ये कौन सी जगह पर बना रखा आपने भंडारा? भंडारा ये सगराए बाबा के पर है। ये कौन सी धर्मशाला में? नीचे धर्मशाला बनवाई, नीचे जो धर्मशाला बनवाई है उसी में होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हर साल होता है। और कुछ बुजुर्ग कुछ कहना चाहता बाबा के बारे में? ये शिव मंदिर बाद में पहले बाबा थे? पहले बाबा जी थे, इसी जाल जो जाल है इसके नीचे घोड़े के साथ जो है जमीन के अंदर समा गए थे ये। और काफी दिनों से ये वही चल रहा था, अभी बाद में ये शिव मंदिर। अगर कोई बाबा से मन्नत मांगता तो क्या चढ़ाना पड़ता है? यहाँ पर जो अपनी श्रद्धा हो वो चढ़ाने, प्रसाद जैसे 100 रुपए का, 11 रुपए का, 21 रुपए का, जैसे और कुछ चावल का वो लगता है यहाँ पर। लाल चावल कैसे हो? चावल किसे भी चावल हो, देसी घी? हाँ, देसी घी पड़ता है उनके अंदर पकाई होती है। यहाँ पर कितने गांव के आदमी आते हैं? यहाँ सतगंगा सारा गाँव है। कौन कौन से गांव के आदमी आते हैं? सोना सुनारी, डोब, भाली, बनियाना, गणावठी, छोटी सुनारिया, बड़ी सुनारिया और आसपास के जिसको भी पता है कि ये मेला लगता है नवमी को, हर बार जन्माष्टमी के बाद जो लगता है, बाहर से आते हैं हमारे गांव के कुछ बंदे, दिल्ली चंडीगढ़ तक या बाहर कितने भी जाते हैं, वो छुट्टी लेकर के और इधर हर साल यहाँ से प्रसाद। ये देखिए बाहर सामान बेचने वाले, देखिए, और ये बाबा के प्रांगण में घूमते हुए भगत जन। बाबा की धर्मशाला है जिसमें भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारा, अभी भंडारे में चलते हैं, भंडारे की ओर ले चलते हैं आप सभी को। ये भंडारे में धर्म माताएं और बहने हैं, ध्यान से देखिए कितनी शांति से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और ये सेवक है जो लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। कमिन छोटेंगे, आपका क्या नाम है? हाँ, रवि। कहाँ से हैं? गांव सुनारिया खुर्द या कला? अरे आप भाई खुर्द के, बड़ी अच्छी बात है। हम सुबह से ऊपर थे हमारे, हम यहाँ भी आए हैं, अमन बुधवार गांव सुनारिया खुर्द से हैं, सुबह से सेवा कर रहे हैं भक्तों की, बड़ी अच्छी बात है। ये प्रोग्राम यूट्यूब पे डाला जाएगा, डिम्पी म्यूजिक पे, ऊपर बैनर लगा। भाई साहब जी नमस्कार, क्या हाल है, कहाँ से आए आप? सुनारिया खुर्द से, रोहतक से। कौन सी कॉलोनी से? क्या करना है भाई, हम गांव सुनारिया के, आप कैंट ले रहे हैं, पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर के, बाबा की शरण में आकर के। और मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम है जो कि हम इसको यूट्यूब चैनल पर डालने जा रहे हैं, डिम्पी म्यूजिक पर। बहुत अच्छा बना रहे हैं, सारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, गाँव वाला का बंदोबस्त भी अच्छा है, भंडारा भी है, बड़े बुड्ढे भी बैठे हैं देखभाल के लिए, बहुत अच्छा है। बहुत
ये मुकेश जी हैं भाई साहब, ये मेरे साथ बड़े अविंद को तो अच्छी तरह जानू मैं, मुकेश जी को। हाँ, ये सभी गांव सुनारिया खुर्द के हैं, जो कि बाबा की कमेटी में शुरू से ही है और तन मन और धन से ही ये लोग सेवा कर रहे हैं। डिम्पी म्यूजिक पे दिखाया जाएगा सारा नेट पे। यो थोड़े दारा क्या बात रहा, क्या बात है, धर्म का काम करो, शर्म की क्या बात है, कितनी मेहनत से भक्तों का प्रसाद बना रहे हैं, बड़े पुत्र भी लग रहे हैं प्रसाद बनाने के लिए। देखिए ये प्रसाद बना रहे हैं कितनी मेहनत से। क्या नाम आपका? प्रसाद बना रहे हैं।